नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीएड के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। रेगुलर मोड से हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजों में अपने आप को एनरोल कराएं। एनरोल की डेट से रिलेटेड जानकारी हमने इसे पिछली वीडियो में दी है, मैं आपको एक बार और बता दूं। आप है ना 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आप अपने आप को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आगे की कड़ी में हम बात करेंगे आज काउंसलिंग से रिलेटेड। काउंसलिंग की बात करें तो दोस्तों, ये है ना 13 तारीख को लिस्ट आएगी, सीटें अलॉट होंगी। उसके बाद है ना सीटें अलॉट होने के बाद आपको कैंडिडेट को जिस किसी भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है उसमें आपको 14 से 16 के बीच, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होगी। आप अपने कॉलेज में विजिट करोगे, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। डॉक्यूमेंट में बता दूं दोस्तों, मैं आपको आपकी 10th की DMC, 12th की DMC और आपको आपका ग्रेजुएशन की DMC और इसके साथ साथ में PPID होगी, फ़ोटो हो गए और आपका आधार कार्ड हो गया। ये जो बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं ये आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करें सेकेंड काउंसलिंग की। सेकेंड काउंसलिंग की जैसे ही सीटें जिन पे पहले एडमिशन हो चुके होंगे, जो सीटें बची होंगी उनकी लिस्ट ये यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल जारी की गई 20 तारीख को, और हमें जो भी सीटें अलॉट होंगी उसको आपको है ना 21 से 22 के बीच में जाना है। और अगर मान लो बाई चांस 21 से 22 के बीच में आप नहीं जा पाते तो एक डेट और है, वो 25 तारीख की रखी है। आप 25 तारीख को जाके सेकंड काउंसलिंग में अपने आपको जो आपको कॉलेज है ना अलॉट हुआ है उसमें अपने डॉक्यूमेंटों के साथ आप विजिट करिएगा और अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। दोस्तों ये बात थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी तमाम जानकारी है, एग्ज़ाम फॉर्म हैं या फिर स्टडी मटेरियल है, तमाम जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको समयबद्ध तरीके से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।